मैडम मैडम नमस्ते मैडम, मैं फिर आ गई राधा की शादी में। तो मैं क्या करूं, नाचू मैं नाचू। राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी। नहीं नहीं मैडम, वो आपने गीता को छोड़ दिया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया राधा की शादी में। ओहो, तो गीता से दिल लगा बैठी हो। अरे यार तू चुप रहा करना यार, घड़ी बकवास कर रहा है सारा दिन खड़ा हुआ। सॉरी मैडम। और तू ऐसा है, वो जो गीता है वो बेकसूर है और थारे कपड़े मिल गए हैं, वो हम तैन दे देंगे। गोपी इसके कपड़े लाइयो छेना के। नो जी, अब मेरे ये किस काम के। क्या मतलब, ये रहे तुम्हारे कपड़े इज्दा, मेरे साथ बहुत हुए हैं लफड़े इज्दा। थैंक यू मैडम, आपने मेरे चोरी किए हुए सारे कपड़े लौटवा दिए। लेकिन मैडम ये तो बताइए, चोर कौन है राधा की शादी में? अब आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। चोर कौन है, इससे क्या लेना देना इज्दा। हसीना अगर युद्ध है तो मैं हूँ सेना इज्दा। हाँ। नहीं मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि जिसने मेरे कपड़े चुराए, हो सकता है वो मुझे प्यार करता हो, और अगर मुझे पता चल जाए वो कौन है तो मैं भी तो उसे बदले में प्यार दूंगी। Well, baby, are you sure is that? मैं ही हूँ वो चोर is that? चलो फिल्म देखने चले। Shut up! क्या तू चोर है हाँ? कलमुए, दिल जले, कलम जले, पड़ जा। तेरी आदमी ने हड्डी पर केस भी कर दिया, तो पहलवान की बिड़िया नाम दी मेरा। हाँ, श्राद्धा की शादी में। क्या मैडम? अबे चौकी है, योगी है, अम्यूजमेंट पार्क हो रहा। सॉरी मैडम। चलो तुम निकलो, मिल गए ना कपड़े तुम्हारे। yes, चलो थैंक यू, नाइस मीटिंग। कहाँ है? ममता मैडम छत पे घूम रही है, पिंकी मिठाई की दुकान पे बैठी है और रिंकी गई है कॉलेज, यहीं से वाई बोल के। मोहल्ले की छोरियों का ना पूछ रही हूँ। बोझो जिस नंबर से आ रहा था गोपी ने फोन धमकी वाला, उसकी डिटेल जो मंगवाई थी वो कहाँ है? आइए आइए। हाँ हेलो, नमस्ते मैडम, मैं मोबाइल कंपनी से आया हूँ और जिस नंबर की आपने डिटेल मांगी थी वो ये रही। निकल ले। शाम को मिलते हैं। पूरे गांव में बता दे। जी गुजराती, किसी जी गुजराती के जो है नंबर से किया जा रहा फोन। इस एड्रेस पे जाओ और धर के लाओ इस जी गुजराती ने। ओके। आज मैं इस आदमी की तोड़ दूंगा हड्डी पसली इज्दा। मैं पंजाबी मर्द हूँ असली इज्दा। या ना जाने कितनी बार इस आदमी ने आपको गधा well. मतलब बेवकूफ बना के औरतों के कपड़े पहनाए थे भैया। अभी बजाता हूँ घंटी और फिर इसका बैंड। बजा, बजा। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। प्रॉब्लम है भैया घंटी में? कोई प्रॉब्लम नहीं, बजाओ दोबारा बजाओ। होता है ऐसे, होता है। बजाओ। भैया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है भैया घंटी में। ठीक ठीक है, दरवाजा खटकता हूँ, दरवाजा खटकता हूँ, खटका दे। बाहर निकलो। ए डर गया तुम। मिस चौटाला। सर। hey. सर आप यहाँ? सर बुलवा लिया होता, आप खुद क्यों आए? बुलाना तो चाहता था लेकिन सोचा कि कहीं बुरा ना मान जाए।
सर क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब आप बुलाएं और मतलब इसमें तो बुरा मानने वाली कोई बात ही ना है ना सर। नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैंने बुलाया और आने से मना कर दिया। सॉरी सर, सवाल ही पैदा ना होता। तो इसका मतलब आप श्योर हैं कि अगर मैं बुलाऊंगा और वो मुझे मिलने आएंगी? सर अगर आप बुलाएंगे वो जरूर आएगी। वो एक्सक्यूज मी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? कंफ्यूजन। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको और अपनी बात कर रही हूँ ना सर, कि आप बुलाएं, ऑफिशियल काम होगा तो जाना तो पड़ेगा ही मन्ने, फिर केस वगैरह डिस्कस करने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपनी बात कर रही हैं? यस सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, पर आप किससे मिलना मांग रहे हैं सर? मैं उस गोपा की बात कर रहा हूँ। वो खूबसूरत सी औरत गोपा, जो मैं गोपा। यस सर, मैं समझ गई सर, गोपा। हाँ सर, वो गोपा है ना, किसी छोरे से प्रेम करे थी था। क्या क्या था? गोपा को एक छोरे से और छोरे को गोपा से आपस में लव था सर, प्रेम। मैं छोरे को गोपा से था, गोपा को भी छोरे से था सर। अच्छा अच्छा, आग दोनों तरफ बराबर लगी थी तो घर वाले मान नहीं रहे थे। अच्छा, तो सर वो गोपा और वो छोरा भग गए और अब वो दोनों हैप्पीली मैरिड सर। आपने मेरा तो गड़बड़ कर दिया ना। और यस सर, मेरी बहन बता रही थी आप मेरी प्रमोशन करने वाले हैं। और मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, डोंट वरी। अच्छा सुन, उसको कही थी था गुजराती जी, गुजराती वेरी जी। बिल्लू आ रहा है, बस लेके उसको लेके रहा है। आज दा हसीना है अगर सा है, मैं हूँ गा आज दा। चुप रहा कर। ही अरे यार, गीता ने क्यों लेके आया है? थार से कही थी जी गुजराती ने लियो, कोई काम कराया तो ढंग से। मैडम यही है जी गुजराती, मतलब गीता गुजराती। मैडम हम लोग वो फोन नंबर से पता करके एड्रेस निकाला हमने, और उस एड्रेस पे हम गए तो वो घर इनका निकला, फिर घर के अंदर से ये खुद निकला। और मैडम वो फोन भी इनका ही है जिससे फोन करके इन्होंने भैया को गधा बनाया। एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया, मतलब भैया को उल्लू बनाया। एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया, मतलब भैया को बेवकूफ बनाया। अब ठीक है भैया? या दिस वन। अच्छा तो यो बेबी फेस लेके यो बिल्कुल छलावा है, और वैसे कान थारे ब्लैकमेलिंग, और यो कर्म कांड कर रहा है तू। बोल क्यों क्यों इसको औरतों के कपड़े पहनने पे मजबूर कर रहा था तू? बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे आप बोलो ना, तो मैं मेरे बाप बापू जी सबकी शोकन खाने के लिए तैयार हूँ, और मैं इनको क्यों फोन करूंगा? आई एम नॉट डेड टाइप भरी बरसात में। ना तो फोन रिकॉर्ड में क्यों आया है कि थारे फोन से हुए हैं फोन? तो मुझे क्या मालूम मैडम, हूँ साचू कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई डोंट हैव एनी आइडिया मैडम, सच्ची। और ये फोन है ना, ये तो मेरे साथ है ना 24x7 साथ में ही रहता है। मतलब कि 24/7 मेरे साथ में ही रहता है भरी बरसात में। थारा फोन थारे साथ रहे 24 घंटे। हाँ। यानी खाते पीते सोते उठते नहाते जगते सब टाइम साथ में। हाँ मैडम, एक्चुअली तो क्या है कि मैं जब नहाने जाता हूँ ना, तभी भी मैं इसको साथ में लेके जाता हूँ भरी बरसात में। अच्छा, ये क्या वाटरप्रूफ फोन है आपका? नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या भीगता नहीं पानी से? नहीं, एक्चुअली क्या है दादाजी, मैं जब नहाने जाता हूँ ना, तब मेरा मोबाइल है ना, मैं थोड़ा ऐसा दूर रख देता हूँ भरी बरसात में। ना तो ऐसा कौन सा, तू शाहरुख खान के घर में नहाने चला गया? इतना बड़ा बाथरूम थारा कहाँ है? Yes! कहाँ रहे बे, इतना बड़ा बाथरूम कि नहाता है और बूंद भी ना गिर रही मोबाइल पे? नहीं नहीं मैडम, आप समझे नहीं ना, मैं बाथरूम में नहाता ही नहीं हूँ भरी बरसात में। तो तू बेडरूम में नहावे? Yeah. ब्लैंकेट में शैम्पू और रजाई में साबुन? नहीं मैडम, मैं क्या, मैं बाहर कुएं पे नहाता हूँ। मुझे ना कुएं पे ऐसे नहाने का बहुत शौक है, और जब मैं नहाने बैठता हूँ ना, तब ये मोबाइल ना मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ भरी बरसात में।
इसका मतलब यो है कि कोई है जो इसके फोन से फोन करता है, स्पेशली तब जब यो नहाता है और इसका फोन इससे थोड़ा दूर रह बे। वेरी गुड, तो फिर सही है। कल एक बार फिर तू कुएं पे नहाएगा। रोज नहाता हूं, डोंट वरी। हाय, मोबाइल उधर है। मम्मी जी, आज मुझे पता लग गया ना वो कौन है जो मुझे औरतों के कपड़े पहनाता है। कसम है मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, कसम है मैनू गदर दे हैंड पंप दी। मैं ना उन्हें छड़ांगा नहीं, मैं छड़ांगा नहीं, मैं छड़ांगा नहीं। भाई जरा उम्र देख के बात करो ना। वेल, जिन लोगों की दुनाली में जंग लगा हो उन्हें शिकार पे नहीं जाना चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। वेल भैया, आप प्राणायाम किया करो। मैंने आपको कहा भी था ना पहले योगा करने के लिए, लेकिन आप करते नहीं हो, इसलिए आपको गुस्सा आता है। मैंने आपको सिखाया था ना कपिल भारती योगा, लेकिन आप भूल गए। अब मैंने मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है। बोल दो मैंने कि मैं तुम्हारा मुन्ना। मैंने मैंने आज मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा। ये 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 क्या, मैं आप ये क्या बोल रहे हो? देखिए मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, मेरे को ये ना आपका ये दोस्त है ना बिल्कुल कबूल नहीं है भारी बरसात में। कबूल तो करना पड़ेगा मैंने, आज मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा मैंने, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। अच्छा क्या करोगे? मैंने मैडम नहीं नहीं मैं तीन तक गिनूंगा मैंने, उसके बाद मैं ये बिल्डिंग से कूद जाऊंगा मैंने। झकास मैडम, ये देखो। ये साबुन किसने रखा यहाँ पे? मैंने रखा है। तूने रखा? अब मेरा पाँव टूट जाता था। ये साबुन कितना महंगा है। मेरा पाँव सस्ता है। यार मेरी गलती है, क्यों भेजा मैंने? अबे साबुन पे डिस्कशन चल रही है, वो डूब रहा है वो। अरे बिल्लू, ओहो मुन्ना, अरे बाहर आजा मुन्ना, थारी मोहिनी मान गई, तेने आई लव यू कह रही है। उठ, आई लव यू क्या इसने, चल चल जल्दी कर। आई लव यू मोहिनी। अबे मोहिनी तू सर, वो मुन्ना मुन्ना मोहिनी मुन्ना। अरे जल्दी कर, डूब जाएगा। आई लव यू मुन्ना, ऊपर आ जाओ। अरे मुन्ना यो पकड़ के बाहर आ जा, तेरा ब्याह कराऊंगी इससे। आ जा आ जा। हौली हौली हौली। यार क्या काम करने आए थे और कौन सा काम हो रहा है यार? हौली हाय सॉरी। हौली नहीं, बावड़ी बावड़ी। शुक्र बच गया। कुछ और बच गया। शुक्र है बच गया, बच गया। सॉरी सॉरी। जो काम करने आए वो कर ले, चल निकल बाहर निकल। और तू ना, चल। तैने यार आदमी कुएं में गिर दिया। मम्मी जी आपको मेरी चिंता नहीं है, मेरा पैर टूट जाता है वो कुएं में गिर गया, उसकी ज्यादा चिंता है। सॉरी सॉरी, चलो छोड़ो मिट्टी पाओ।
बहुत गहरा था। अबे मंदाकिनी, नेक्स्ट टाइम ना मैं उठाऊंगी नहीं, बचाऊंगी नहीं मैं कतई। महिला महिला है उधर ही, सेफ है। तू? सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सॉरी बिल्लू ब्रो, सेल मी सेल मी सेव या दिस वन। मॉम मॉम प्लीज मुझे दे दीजिए माफी, इसदा इसने जो मेरे साथ किया क्या वो नहीं था काफी इसदा? बोल, करेगा इब दोबारा किसी के संग ऐसा घटिया मजाक? माफी मैडम जी, माफी मैडम जी। हम हैं हलवाई, हमने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी किसी को हम ऐसा गधा नहीं बनाएंगे। तू यहाँ के खड़े खड़े टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह आहें भर रहा, तू माफी मांग। जो तैने इसके संग करा किसी के साथ नहीं करेगा, माफी मांग। या मॉम, वेल ब्रो, मुझे कर दो माफ, इज्दा दिल को कर लो साफ, इज्दा। ठीक है दादाजी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना कि आज के बाद अगर हमारी दुकान में कभी भी मुफ्त कुछ खाया तो समझो हमको गुस्सा आया, और अगर हमको गुस्सा आया तो अब की बार ये सोच लेना कि किसके कपड़े पहनाऊंगा तुमको। कसम से, मतलब लोगों की बात तक सुननी पड़ रही है मन्ने थारी बहस से। शर्म ना आती तने, हैं? यो उम्र हो गई, बताइयो जरा के कही तने इससे करके बता जरा। या श्योर मॉम, मैंने इसे कहा अबे वे हम पुलिस वाले हैं, वर्दी पहनी हुई देखी है ना, कभी हिम्मत मत करना पैसे मांगने की, समझा? यही बोला था मैडम, ऐसे बोला था। ऐसे बोला, घना चौड़ा होके बोल रहा है यहाँ, बड़ा बढ़िया काम करा है, झंडे गाड़ के आया है कतई, गरीबों में दान बांट के आया है, जो यहाँ बिल्कुल नारा लगा रहा है ना, देखा इसने भी थारी वर्दी उतरवा के स्कर्ट से लेकर साड़ी तक सारे फैंसी ड्रेस पहनवा दिए। आज के बाद वर्दी के रोप पे तैने अगर मुफत खोरी करी है गोपी। पर मैं क्या, मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना भैया को माफ कर दीजिए मैडम, आगे से कभी कोई मुफ्त खोरी की हरकत नहीं करेंगे। मुझे पक्का यकीन है मैडम, क्योंकि मैं भैया की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ मैडम, और अब ये सुधर जाएंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भैया आइंदा फिर कभी मुफ्तखोरी की कोई हरकत करेंगे तो मेरे पास इलाज है। आप इस हंटर से भैया की खाल उधेड़ देना, जेन्युइन लेदर। माफ किया, पर याद रहे। शुक्र है रब्बा, शुक्र है लख लख शुक्र है। भैया भैया भैया, मौत के मुंह से बाहर आए हैं आप, काल आपको बस निकल गया था। well. भैया ऐसे खुशी के मौके पे तो मुंह मीठा करना बनता है भैया। हाँ। मुंह मीठा करवाइए। हाँ। लेकिन इसके यहाँ से कुछ नहीं मंगाएंगे, तू निकल रहे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैडम। चल हट। हाँ मैडम। भैया
अपना वो कोटू हलवाई से मंगवा लेते हैं। उससे मंगवाओ मंगवाओ मंगवाओ, वो बहुत बढ़िया है। वाओ 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 वाओ। हेलो, अरे हाँ कोटू, अरे यार 1 किलो ना काजू कतली भिजवा दो यार। क्या भैया ये पैसे मांग रहा है? उसको बोल क्या मेरी वर्दी नहीं देखी? क्या देखी है ना? Genuine leather.